हेलो, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो आ गई मैं आप लोगों के सामने एक नया ब्लॉग लेके। तो आज के खाने में हम क्या बनाने वाले हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो रेसिपी। और तो आज का ब्लॉग मैंने किया है शाम से स्टार्टिंग, और शाम के जितने भी काम होते हैं वो आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो हमारे यहाँ पे देखिए आप लोगों का स्वागत किया, और इधर लाइट भी हमारे यहाँ पे आ चुकी है, और आपको पता ही चल गया होगा एकदम ब्लॉग क्लियर आने लगा है, एकदम उजीता उजीता सा लगने लगा है, एकदम लाइट आ गई है तो एकदम अच्छा लगने लगा है ब्लॉग। तो हमारे यहाँ पे बन रही है चाय, तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए शाम की। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे बन रही है चाय शाम की, और अभी मैंने चाय बना ली है लेकिन अभी पीने वाले कोई नहीं है हमारे यहाँ पे, क्योंकि अभी ना मम्मी पापा चारा लेके आते ही होंगे, तो उनके आने से पहले मैंने ना चाय बना के रख ली जिससे वो लोग चाय भी पी लेंगे। और ना तो कल हमारे यहाँ पे है ना हमारे पतिदेव इतना अदरक लेके आए थे, तो थोड़ा सा मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा मैं फ्रिज में रख दूँगी इसको धुल के। अभी मैंने इसको धुला नहीं है तो यहाँ पे ही रख देती हूँ। और बच्चों ने रख दिए हैं अपने बारी बारी से टिफिन यानी कि लंच बॉक्स, और यहाँ पे हमारे खाने की चल रही है तैयारी। तो खाने में आज हम बनाने वाले हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और तो आज की सब्जी हम बनाने वाले हैं आलू मटर, नहीं मटर तो मेरे मुंह से निकल गई है, आलू और टमाटर की सब्जी। और डालेंगे हम छोटी छोटी करके मिर्च के पीस बना के डालेंगे जिससे कि लगे उसमें मटर पड़ी हुई है, मटर वाली फीलिंग आएगी, कुछ तो आएगी, देखने में आएगी, खाने में आए या ना आए लेकिन देखने में लगनी चाहिए कि हाँ मटर डाली है मैंने। तो फटाफट से तैयारी कर लेते हैं, और बाहर से आवाज़ आ रही है चाय बन गई हो तो चाय कृपया ले आइए, तो मैं चाय दे के आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। तो चाय वगैरह दे आई हूँ, और ना मैं कुछ बच्चे हमारे अभी सो रहे हैं, बच्चों को मैं जगाऊंगी जब सब्जी मैं छौंक दूंगी तब जगाऊंगी, क्योंकि बच्चे ना ट्यूशन भी जाते हैं और थोड़ा लेट आते हैं, 9:30 बजे के टाइम पर बच्चे ट्यूशन से आते हैं तो बच्चे सो नहीं पाते हैं, और थोड़ा बहुत देर खेलते भी हैं तो 10:30 बज जाते हैं तब लगभग सोते हैं बच्चे, तो थोड़ा और सो लेने दें तब उनको जगाएंगे। वैसे टाइम तो हो गया उठने का, तब तक मैं सब्जी की भी तैयारी कर ले रही हूँ, अगर मैंने ना जगा पाया तो मम्मी पापा कोई ना कोई जगा ही देंगे। तो मैं इधर सब्जी की कर ले रही हूँ तैयारी, और आलू मैं ना छील ले रही हूँ छिलनी से, तब मिलती हूँ आप लोगों से। और मैं ना जो बात होती है मैं क्लियर बताती हूँ, जो सब्ज़ी में मैं डालती हूँ झूठ नहीं बोलती हूँ कि मैंने मटर डाली है, मेरे आज मटर है नहीं तो मटर नहीं डाल रही हूँ मैं। तो सब्जी मैंने काट ली है, और ना हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं घर पर, यहाँ पे ही ससुराल में मायके में भी बोलते हैं कि सब्जी जैसे ही अगर कम बनानी है तो बोलते हैं हिसाब की बनाना, हिसाब की मतलब थोड़ी कम, और ठीक सी बना लेना तो थोड़ी ज़्यादा सी। तो मैंने वही हिसाब की सब्जी काट ली है, और यहाँ पे मैंने प्याज काटी है, और यहाँ पे टमाटर हैं इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। और ना जब से मैंने ये चॉपर लिया है चॉकर, तब से मुझे बहुत आराम हो गया है, क्योंकि प्याज में ना मुझे बहुत ज़्यादा जर्प लगती थी तो काटने में मुझे बहुत दिक्कत होया करती थी, तो इसी से मैं काट लेती हूँ ना, अब मुझे बहुत ज़्यादा आराम है इससे। और यहाँ पर मैंने मिर्च भी गोल गोल पीस में कट किए हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे रख दी है मैंने गैस पे कढ़ाई, और गैस को कर ले रही हूँ ऑन। तो सब्जी बनाने का तरीका तो मेरा वो ही रहेगा सरल और देसी, तो फटाफट से छौंक देती हूँ
फिर उसके बाद में आप लोगों से मिलूँगी। तो हमारे यहाँ पे ना सब्जी वगैरह है, अगर मम्मी से पूछते हैं हम क्या क्या बनाए सब्जी, तो वो पहले ही बता देंगी कि फलानी सब्जी बना लो, कुछ भी बना लो। तो अगर उनको कम खाना होगा तो वो पहले ही बोल देंगी थोड़ी हिसाब की बना लेना। हमारे यहाँ पे घर पर बोला जाता है, सभी लोग बोलते हैं, यानी कि ये डेली के यूज के वर्ड हो गए हैं, डेली भाषा के शब्द हैं, ये डेली में यूज होते हैं हमारे यहाँ पे। कोई भी चीज़ हो थोड़ा हिसाब का लेना, हिसाब का खाना, हिसाब का वैसे करना, तो हमारे यहाँ पे ये चलता है। तो आप लोगों के यहाँ पे कैसे बोला जाता है ज़रूर बताना, क्योंकि हम लोग भाई गाँव के हैं तो गाँव जैसी ही भाषा बोलते हैं। तो भैया हमने इधर गैस पर रख दी है कढ़ाई और गैस को ऑन कर दिया है, तो इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल और छोंक देते हैं सब्जी, फिर उसके बाद में आप लोगों से मिलेंगे। तो सब्जी मैंने छोंक दी है और अब जा रही हूँ अपने बच्चों को जगा लाती हूँ, तो चलते हैं, सो रहे हैं अभी। तो ये देखिए हमारे हरे लाल पीरे सो रहे हैं। ओए बिट्टू उठो उठो उठो, तन्नो स्कूल का ट्यूशन का काम, उठो 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 उठो। ये देखिए हाँ ए बिट्टू। तो इधर हमारी सब्जी बन चुकी है और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और मैंने ना खूब सारा इसमें हरा धनिया डाला है और अभी ना मैंने गरम मसाला डाल दिया, तो थोड़ी और नेट पक जाए 2 मिनट के लिए, वैसे ही हम निकाल लेंगे। और इधर हमारा दूध गरम हो रहा है, इधर रख दिया है हमने दूध गरम करने के लिए, तो दूध भी गरम हो रहा है और सब्जी भी बन गई है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक बड़े बर्तन में। और ना आज मैं मक्के की रोटियां बनाएंगे गैस पर ही, 2-3 ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। और इधर हमारे बेटू को आ गया है बुखार, ये देखिए लेटे हुए हैं, उनको ना मैंने दवा दे दी है अभी, तो उनका फीवर उतर जाएगा तभी अपना स्कूल या ट्यूशन का काम करेंगे। और इनके कल से है एग्ज़ाम, तो भैया ये तो एग्ज़ाम भी देने जाएंगे, तो इसलिए मैं लेना इनको। और अभी पापा ना दूध ले रहे हैं डेयरी से, मतलब सभी लोगों का, हमारे यहाँ पर डेयरी है, तो जब दूध ले लेंगे सभी लोगों को, तब पेटू को ना डॉक्टर के पास दिखाने जाएंगे। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है सब्जी, एकदम ग्रेवीदार मैंने बनाई है। और हम इसको निकाल ले रही हूँ एक दूसरे बर्तन में। तो सब्जी हमारी बन चुकी है और बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और हमारे यहाँ पे ना लाइट चली गई है, तो इस वजह से थोड़ा सही से नहीं आ रहा है क्लियर वीडियो। तो यहाँ पे मेरी बनने लगी हैं मक्के की रोटियाँ और मेरे बेटू को आ गया है बुखार, तो बेटू हमारे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं मुझे, तो इस वजह से मैंने ना चूल्हे पे नहीं बनाई है। और आज ना मजबूरन मुझे मक्के की रोटियाँ गैस पर ही बनानी पड़ी हैं। तो इनके पापा को भी फीवर आ गया है, तो इनके पापा भी आ गए हैं, तो 2-3 रोटियां बनानी है, तो बना ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं बनानी है, पापा के लिए बनानी है मुझे केवल, तो मैं ना खूब अच्छे से इनको सेक ले रही हूँ। और रोटियां सच बताऊँ तो चूल्हे की ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, तो आज मुझे मजबूरन गैस पर बनानी पड़ रही है, तो बना लेती हूँ मैं मक्के की रोटियाँ। और ये देखिए मेरी कितनी अच्छी रोटियाँ बनी हैं। खूब बड़ी बड़ी सी मैंने रोटियाँ बनाई हैं, तो यहाँ पे ना सभी लोग खाना खा चुके हैं, मैंने खाना बना लिया था और सब लोग खाना खा चुके हैं, बच्चे गए हैं ट्यूशन। और आज ना इनके पापा ने कम खाना खाया है, लगभग रोटी खाई है, बिल्कुल थोड़ी सी सब्जी ली थी,
तो थोड़ी सी सब्जी बच गई है तो मैं सब्जी लगा दे रही हूँ फ्रिज में, और देखते हैं सुबह क्या बनाएंगे। तो अगर बच्चों को पसंद आएगी तो बच्चे खा लेंगे। और इधर ना मैं अब गैस वगैरह साफ कर दे रही हूँ, और को अब मेरे रात के बर्तन हैं तो मैं बर्तन भी साफ़ करके रखूँगी, बिल्कुल साफ़ सफाई करके यहाँ से तब जाऊँगी। और यहाँ झाड़ू भी लगानी है क्योंकि पेपर वगैरह भी पड़े हैं, बच्चों ने अभी काम किया था होमवर्क स्कूल और ट्यूशन का, तो यहाँ पे पेपर वगैरह भी डले हैं तो मैं झाड़ू लगा के जाएंगे। और ये देखिए अभी ना मेरे बेटू ने बहुत थोड़ा सा खाना खाया है, बिल्कुल भी तबीयत उसकी ठीक नहीं है। तो चलते हैं, अपने बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, किचन भी साफ़ कर देती हूँ। तो सारे काम मैंने कर लिए हैं, और ये देखिए किचन के बर्तन वगैरह झाड़ू पोछा सब कर लिया है, यानी कि सिले वगैरह बिल्कुल साफ़ कर दी है। और अब मेरा रह गया है दूध जमाने के लिए, तो इसमें हमें जाव लगानी है, यानी कि थोड़ा सा मठा डालना है और रखना है, और बस बाकी के सारे काम हो चुके हैं हमारे। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे कर रही हूँ एंड। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और जो कोई हमारा ब्लॉग देखे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।